Namo Arhantaṇam Namo Siddhāṇam Namo Āyriyāṇam Namo Vajjhāṇam Namo एक विशिष्ट प्रकार के भावों की निर्मलता का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मणि चर्या ब्रह्मचर्यम्, ब्रह्म के प्रति, ब्रह्म में या ब्रह्म के निमित्त का तंत्र व्याकरण में निमित्तात् कर्मणि, इस सूत्र के अनुसार ब्रह्म के निमित्त सप्तमी का प्रयोग है। ब्रह्मणि चर्या ब्रह्मचर्यम्, वो ब्रह्मचर्य है। तो उस प्राकृत गाथा का विवेचन करते समय पहले जीवो बंबा, जीव को ब्रह्म कहा और उस ब्रह्म में यति की जो चर्या होती है वह ब्रह्मचर्य है। विमुख परदेह तत्तीय जीवो ब्रह्मा ब्रह्मम् चेव चर्या विज्जजा जदिनो तम जान ब्रह्म चेरम विमुख परदेह तत्तीय। पर देह से होने वाली तृप्ति उससे विमुक्त है। ये एक ऐसी चर्या है कि जिसमें छोड़ना होता है, एक ऐसे विषयानुराग को छोड़ना होता है जिस विषयानुराग को बहुधा आम आदमी इंसान की प्रकृति मानता है। वस्तुतः जो ध्यान और साधना के जगत में सत्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं तब पता चलता है कि वह एक शक्ति है। ज्ञानारायणों में उसको काम तत्व कहा है। तो शक्ति की दिशा चार प्रकार की होती है। डॉक्टर स्टुअर्ट सवैट्सकी के अनुसार, जैसे 23 साल ब्रह्मचर्य पर रिसर्च करने के बाद एक पुस्तक लिखी, उसमें उसने लिखा है कि चार लेवल्स पर वो शक्ति, वो एक शक्ति मैनिफेस्ट होती है, क्रियाशील होती है। प्रोक्रिएशन, एक तो यदि उस शक्ति को शास्त्रों में निरूपित काम पुरुषार्थ की मर्यादा में रहकर दिशा दी जाए तो उससे संतान की उत्पत्ति होती है। मनुष्य और पशु में बड़ा अंतर है। फिर यदि उस शक्ति को बच्चे देख लेते हैं तो फिर बच्चे उन फिल्मों को देखकर या फिर ऐसे नाटकों को, दृश्यों को, गीतों को सुनकर, वीडियोज को देखकर
कुछ हरकतें करते हैं उसको चाइल्ड प्ले बोलते हैं, माने वही शक्ति वहां पर भी एक्टिव हो जाती है। भले उनके शरीर में वो रसायन नहीं है, भले उनके शरीर में वो विकास नहीं है, लेकिन कुछ हरकत उसमें शरीर में उस अवस्था में भी हलचली उत्पन्न होती है, उसको उस वैज्ञानिक ने चाइल्ड प्ले कहा, बाल क्रीड़ा। यानी एक ही काम तत्व संतान उत्पत्ति, बाल क्रीड़ा, और फिर यदि कुसंगति में पड़ जाए कोई और व्यसनों के मार्ग को पकड़ ले तो फिर वो शक्ति, वो काम तत्व मनुष्य को दुराचारी बना डालता है, अमर्यादित, यहां तक कि उसको अपराधी भी बना डालता है। ये उस काम तत्व की विकृति है और उस विकृति के दुष्परिणाम से जगत परिचित है और उसके दंड होते हैं। दंड तो बाद में होते हैं, उसके पहले जो घटनाएं हो जाती हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, वो भी उसी एक शक्ति का उन्मार्ग है। और फिर चौथा और अंतिम कार्य जो उस शक्ति का बतलाया उसने वैज्ञानिक ने, वो है उसका ऊर्ध्वारोहण। वो शक्ति जो बाहर की ओर बिखर रही थी, अधोमुखी थी, वो जब अंतर्मुखी हो जाती है और अंतर्मुखी होकर जब ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है, तब किन्हीं साधकों में कुछ अलौकिक शक्तियां अभिव्यक्त होती है। उनके मुखमंडल में और आंखों में एक विचित्र तेज दृष्टिगोचर होता है, उनकी वाणी में ओज आ जाता है। किसी ने पूर्व जीवन में भी ऐसी कोई साधना की हो तो उसको भी इस जीवन में ऐसी कुछ शक्तियां प्राप्त रहती हैं, और यदि इस जीवन में वो उस शक्ति को पुनः ऊर्ध्वमुखी बना ले तो फिर वो उन्नति के मार्ग में अटकता नहीं है, रुकता नहीं है, आगे बढ़ता है, प्रगति करता है। तो चार तरह से ये शक्ति काम करती है, और कभी कभी इसकी दिशा इतनी तीव्र गति से पलटती है कि कुछ पलों पहले वहां थी और कुछ पलों बाद दूसरी दिशा पकड़ लेती है। शास्त्रों में इसके अनेक दृष्टांत आते हैं, कुछ दृष्टांत यहां पर श्रवण करने योग्य हैं। राजा उपक्षेणिक मगध सम्राट थे, राजगृह उस मगध देश की राजधानी थी, और वहां पर किसी दिन एक नटखट घोड़े के निमित्त से वो वन में भटक गए और किसी गड्ढे में गिर पड़े।
एक यमदंड नामक भीलों के राजा ने उनकी रक्षा की और उनके घायल शरीर को देखकर उन्होंने अपनी बेटी को उनकी सेवा में रखा। राजा स्वस्थ हो गया और बेटी की सेवा से प्रसन्न होकर राजा ने उससे कहा कि हे भिल्लराज, बताओ तुम कौन हो। वो कहता है कि जिसको आप भिल्लराज कह रहे हो वो वास्तव में इन भीलों का वंशज नहीं है, वो एक क्षत्रिय पुत्र है, पर संगति के प्रभाव से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। मैं इनकी संगति में यहां इस अवस्था में हूं, आप क्या कहना चाहते हैं। बोले कि मैं तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगता हूं। तो फिर यमदंड, जिसका नाम था, वो शर्त रखता है कि चूंकि आपकी पूर्व में वो महारानी है, मगध की महारानी जिनका नाम इंद्राणी है, नियमानुसार महारानी के पुत्र को राजगद्दी प्राप्त होती है, लेकिन यदि आप मेरी पुत्री से विवाह चाहते हो तो फिर उससे जो संतान उत्पन्न होगी उसको आप राज्यभार देंगे, तो मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं। राजा उस समय अनुरक्त थे, तो राजा ने वचन दे दिए कि ठीक है, ऐसा ही होगा। और फिर समय बीत गया, राजा वापस लौट आया राजधानी में, समय अपने क्रम से आगे बढ़ रहा था। राजा को अनेक पुत्र हुए इंद्राणी महारानी ने श्रेणिक नामक पुत्र को जन्म दिया और यमदंड की पुत्री तिलकावती ने चिलाती को जन्म दिया। चिलाती पुत्र भी उसका नाम प्रसिद्ध है। और लक्षणों को देखकर बड़ा अजीब लगता था राजा को। वो अक्सर सोचा करते थे कि मेरे वचन मेरे लिए भारी पड़ रहे हैं, तिलकावती का पुत्र राजा कैसे बन सकता है, उसमें एक भी लक्षण नहीं है राजा के। फिर एक निमित्त ज्ञानी को बुलाया, आजकल ज्योतिष को बुलाया जाता है, उस समय निमित्त ज्ञानी, 8 प्रकार के जो निमित्त होते हैं जिनके माध्यम से भविष्य की सूचना मिलती है, उनका गणित जोड़कर जो भविष्यवाणी करते हैं उनको निमित्त ज्ञानी कहते हैं। स्वप्न है, स्वर है, व्यंजन है, लक्षण है, अंग है, भौम है, अंतरिक्ष है, ऐसे 8 निमित्त है कुल मिलाकर के। उनके माध्यम से जो जान लेते हैं, ऐसे विद्वान को बुलाया गया और उसने राजा से कहा कि राजन, मुझे आदेश दीजिए, आपका संदेश मिलते ही मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। राजा ने उनका योग्य सम्मान करके कहा कि हे विद्वद्वर, मैं अपने अनेक पुत्रों के भविष्यों के बारे में तो पूछकर आपका समय नहीं लूंगा, केवल मुझे ये जानना है
कि मेरा सिंहासन किसको प्राप्त होगा। निमित्त ज्ञानी ने बहुत विचार किया और उसके बाद उन पुत्रों को देख करके वो समझ तो गया कि कौन अधिकारी है, उत्तराधिकारी, लेकिन फिर भी एकदम सीधे सीधे उत्तर देना प्रसंग के अनुकूल न लगा उनको। और उन्होंने कहा कि जो कुछ शर्तों की पूर्ति करेगा वो राज सिंहासन को प्राप्त करेगा। एक, वर्तमान के योग इस बात की सूचना देते हैं कि कुछ ही दिनों में यहां आग जनी होने वाली है, अर्थात राजमहल में आग लगेगी और आग लगने पर फिर वो राजा को बतलाते हैं कि आपका जो पुत्र छत्र और सिंहासन की रक्षा करके बाकी सब को जलने देगा वो राजा बनेगा, बाकी सारे पुत्र अपने अपने इष्ट वस्तुओं को, अपनी प्रिय चीजों को उठाकर भागेंगे, लेकिन एक ऐसा कोई पुत्र होगा आपका जो छत्र और सिंहासन की सुरक्षा करेगा। ये एक बात हुई और इसी तरह उस निमित्त ज्ञानी ने दो और बातें बतलाई। और उसमें सभी परीक्षाएं जो हुई, तीन परीक्षाएं हुई थी, उन तीन परीक्षाओं में दूसरी परीक्षा ये थी कि अपने पुत्रों को तुम भोजन और पानी देना, लेकिन बंद करके देना, और जो खोले बिना सेवन कर ले वो राजा बनेगा। और तीसरी परीक्षा ये थी कि तुम्हारे पास, ये बड़ी प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं मगध में, कि राजा के पास बड़े खूंखार शिकारी कुत्ते हैं, राजकुमारों को भूखा रखकर जब इनको खूब भूख लग जाए तब खीर परोस देना, और जब ये खाने लग जाए तब कुत्तों को छोड़ देना, कुत्ते भी भूखे हों, जो निर्द्वंद्व होकर उन भयंकर कुत्तों के बीच भी भरपेट भोजन कर लेगा वो राजा बनेगा। इस तरह इन तीन शर्तों की पूर्ति करने वाला जो भी राजकुमार होगा वो मगध का भावी सम्राट होगा। राजा बड़े उत्कंठित थे, राजा अपने वचन से तो पीछे हटने वाले थे नहीं, लेकिन इन परीक्षाओं में जब प्रथम परीक्षा हुई तब राजा के एक पुत्र ने जो डब्बे दिए गए थे जिसमें भोजन भरा हुआ था, लड्डू थे और फिर और भी कुछ मिठाइयाँ थी, तो उन डब्बों को तोड़े बिना सिर्फ उसमें से जो छोटे मोटे जगह थी वहीं से भोजन कर लिया था, पानी भी इसी तरह से उसने चालाकी से पी लिया था। और फिर आगे क्या होता है इसकी चर्चा अपन आगामी सत्र में करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।